यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक के एक और नए सर्वर में। तो गाइस, बहुत सारे बंदे गाइस कमेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि ऐसा सर्वर बताओ जिसमें गाइस 100-200 से ज़्यादा बंदे खेलते हो और वो सर्वर गाइस 24x7 ऑनलाइन रहे। तो ऐसे गाइस मैं एक और सर्वर लेके आया हूँ। गाइस यहाँ पर मैं सर्वर का डिटेल सबसे पहले बता देता हूँ। ये जो सर्वर है नेदर गेम्स, आप जानते ही होंगे, उससे भी ज़्यादा बंदे गाइज इस स्काई ब्लॉक में खेलते हैं। तो आप समझ सकते हो गाइज ये सर्वर कितना ही अच्छा होगा। तो आप जैसे ही सर्वर के अंदर आओगे, देख लो ये सर्वर का लुक है। यहाँ आपको पूरा सिंपल देखने को मिलेगा, कुछ भी यहाँ पर जैसे लाइक हाई पिक्सल जैसा वैसा कुछ भी पोर्टल वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपना आइलैंड को अपग्रेड वगैरह सारे चीज़ कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर मिनियन वगैरह भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर मिनियन नहीं है, यहाँ पर रोबोट नाम है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ क्वेन कलेक्ट करना होगा, इसके बाद बदले में गाइज आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख लो, ये लॉबी का लुक है, ठीक है। देखने से तो लग रहा है गाइज बस इस लॉबी पूरा खाली खाली लग रहा है, लेकिन गाइज इस सर्वर पे हमेशा 1800 से 2000 तक बंदे खेलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जाने वाले हैं स्काई ब्लॉक के अंदर। नीचे गाइज आपको तीन मेनू देखने को मिल जाएगा। पहला है गाइज ये टेलीपोर्टर बो, यानी कि अगर आप जहाँ बो मारोगे वहीं आप टेलीपोर्ट हो जाओगे। और इसके बाद यहाँ पर सर्वर सिलेक्टर है। सर्वर सिलेक्टर में देख लो गाइज स्काई ब्लॉक, यहाँ पर आप देख लो स्काई ब्लॉक सन गाइज 1200 बंदे खेल रहे हैं, ठीक है। स्काई ब्लॉक सन एक और है जो कि 30 बंदे खेल रहे हैं, और लेगेसी स्काई ब्लॉक मुझे लगता है ये पेड वगैरह कुछ है जो कि यहाँ पर वो बताया नहीं गया है। और इसके साथ ही एमसी प्रिजन है जो कि इसमें 1000 लगभग बंदे हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले किस में जाने वाले हैं गाइज, स्काई ब्लॉक सन, जिसमें गाइज सबसे ज़्यादा बंदे खेल रहे हैं। ये जो 1200 दिख रहे हैं वहीं पर हम लोग जाने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर गाइज हम लोग टेलीपोर्ट हो चुके हैं स्काई ब्लॉक के हब पर, ओके। ये एक चीज़ ध्यान देना गाइज, अगर आपका 2GB रैम है तो लॉबी पर आपको लेग देखने को मिल सकता है, लेकिन आप जैसे ही अपने स्काई ब्लॉक के अंदर चले जाओगे इसके बाद आपको लेग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना अगर कुछ होता है तो। यहाँ पर देख लो शॉप वगैरह ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पर सामने आते हैं तो क्रेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, मार्केट वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ सेल वगैरह बाय वगैरह करना चाहते तो। इसके बाद मैं सामने आगे बढ़ा तो मेरे को गाइज यहाँ पर एक देखने को मिला PVP एरिना, लेकिन गाइज वार्निंग में लिखा हुआ है यू विल लॉस ऑल आइटम, यानी कि आप सारे आइटम को खो देंगे। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान देना। इसके बाद यहाँ पर स्किल पर क्लिक करते हैं तो देख लो हम लोगों का स्किल फ़िलहाल तो यहाँ पर कुछ है नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर ये बूस्टर है, पता नहीं अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी पता नहीं। क्वेस्ट वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑक्शनर जो कि यहाँ पर ऑक्शन हाउस में आप यहाँ पर कोई भी बंदे सेल वगैरह कर रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। इस ऑक्शन हाउस के अंदर आपको गाइज मिनियन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ गाइज यहाँ पर मिनियन नहीं रोबोट नाम है, ठीक है। इसके बाद गाइज यहाँ पर ये है पेट मैनेजर, और बाकी इसके अलावा कुछ तो है नहीं। इसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ और तो है नहीं। एक चीज़ गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर देख लो आप जब आओगे तो यहाँ पर ये जो डेली क्रेट होता है, डेली तो नहीं आप कह सकते हैं, ये वेलकम क्रेट जैसे होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, डायमंड वाला जो कि पूरा का पूरा देख लो बूस्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग चलने वाले हैं स्काई ब्लॉक के अंदर। तो स्काई ब्लॉक का मेनू पर जाते हैं तो यहाँ पर मेनू पर देख लो गाइज ऑक्शन हाउस है, गेम्बल है, बॉक्स है, टेलीपोर्ट टू आइलैंड, ओके, इंचेंट वगैरह, पेट्स, रोबोट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइज यहाँ पर अभी आप परचेज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको गाइज आपका स्किल को बढ़ाना होगा, ओके। तो हम लोग गाइज यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं अपने आइलैंड के अंदर। तो जैसे आप टेलीपोर्ट हो जाओगे, ये रहा गाइज यहाँ पर स्काई ब्लॉक का लुक। देख लो गाइज यहाँ पर स्काई ब्लॉक के साथ इसी में आपको केव भी देखने को मिल जाएगा। बाहर में जो भी चीज़ है उससे आप तोड़फोड़ कर सकते हो, लेकिन गाइज जैसे ही आप अंदर चले जाते हो यहाँ पर जो जनरेटर होते हैं उन्हीं से गाइज आप कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कोल वगैरह हो गया, डायमंड वगैरह हो गया, यही सब कर सकते हैं। अंदर में गाइज यहाँ पर केव एक्सप्लोरर है तो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। देख लो गाइज यहाँ पर क्लिक करते हो तो आइसलैंड केव है यहाँ पर। यहाँ पर देख लो गाइज माइनिंग रोबोट्स है तो आप यहाँ पर परचेज वगैरह कर सकते हो, बट अभी तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं अभी अभी आया हूँ।
यहाँ पर देख लो गाइस, जनरेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे कलेक्ट करोगे गाइस, इससे सिर्फ स्किल बढ़ेगा। ध्यान रहे गाइस, जैसे ये मैं यहाँ पर कॉल वगैरह को कलेक्ट कर रहा हूँ तो एक्चुअली में मेरे पास आ नहीं रहा है, सिर्फ गाइस स्किल बढ़ रहा है। अगर मैं कैब के बाहर जाके कुछ कलेक्ट करता हूँ तभी गाइज यहाँ पर पॉसिबल है, वरना गाइज अभी इससे गाइज सिर्फ स्किल वगैरह बढ़ा सकते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ बाय वगैरह करने में शायद से काम देता है। देखो गाइज, मैं फर्स्ट बार इस सर्वर को खेल रहा हूँ, इस वजह से गाइज मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ कि ये यहाँ पर रोबोट को एक्चुअली कैसे खरीद सकते हैं। बट गाइज मैं ऑक्शन हाउस में जाके आपको ज़रूर दिखा दूंगा कि आप वहाँ से गाइज कैसे खरीद सकते हो, ठीक है। जैसे नीचे आया, यहाँ पर आयरन का भी जनरेटर देखने को मिला, इसके साथ ही यहाँ पर डायमंड वगैरह भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर मैं कुछ स्किल वगैरह बढ़ाया, इसके बाद गाइज मैं पीछे तरफ से घूम के ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आने के बाद आइसलैंड वगैरह कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो सारे फीचर्स हैं गाइज। लेकिन गाइज यहाँ पर जब तक आप आइलैंड पर नहीं खेलोगे तब तक गाइज आपको पता नहीं चलेगा गाइज कि यहाँ पर ये सारे फीचर्स कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपको आइसलैंड लेबल दिखाते हैं, तो देख लो गाइज यहाँ पर सारे आइलैंड के लेबल हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि आप लेबल अपग्रेड करते हैं तो आपके कैब में आपको क्या मिलेगा, सेल वगैरह क्या हो सकता है, पावर बूस्ट कैसे मिलेगा, पावर मल्टीप्लायर, सब चीज़ गाइज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ गाइज यहाँ पर आइलैंड टॉप है, तो मेरे को शुरुआत में लगा गाइज मैं किसी के आइलैंड विजिट कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है गाइज, जिसका टॉप आइलैंड है उसका बस नाम आएगा। तो कोई बात नहीं, अगर विजिट करने देता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, कम से कम मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता था कि देखो ऐसे आप यहाँ पर बना सकते हो। बट इतना जान लो गाइज, आप यहाँ पर मिनियन वगैरह खरीद सकते हो, जैसे ही आप बाहर आओगे देख लो गाइज सब सारे चीज़ों को यहाँ पर तोड़ फोड़ कर सकते हो। इसके बाद मैं जैसे ही ऑक्शन हाउस के अंदर गया, मतलब कि ऑक्शन हाउस देखा, तब गाइज मुझे पता चला कि बहुत सारे बंदे जो हैं वो रोबोट सेल कर रहे हैं, यानी कि मिनियन सेल कर रहे हैं। यहाँ पर गाइज ऑफ्सीडियन रोबोट वगैरह, डायमंड वगैरह, मतलब कि एफिशिएंसी, फॉर्च्यून, उसके साथ ही जो कुछ माइनिंग वगैरह करते हैं तो स्टोरेज कितना होता है, वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं कि एफिशिएंसी 1 होगा, फॉर्च्यून 1 होगा, स्टोरेज 1 होगा। ऐसे गाइज जितना लेवल आप अपग्रेड करेंगे वैसे स्टोरेज वगैरह, फॉर्च्यून, एफिशिएंसी, सारे चीज़ गाइज यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ऑक्शन हाउस से खरीद सकते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर मिशन वगैरह और यहाँ पर स्किल बढ़ाते हैं तो भी गाइज आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ पर कैसे खरीदा जाता है आप ज़रूर खेल के ट्राई करना, और आप मुझे कमेंट करके बताना गाइज ये सर्वर कैसे लगा। देखो गाइज यहाँ पर ऑफिशियल ये सर्वर है, ये छोटा मोटा सर्वर नहीं है, हर समय गाइज 2 से 3 हज़ार बंदे खेल रहे हैं, मतलब समझ सकते हो गाइज जैसे नेदर गेम है वैसे ही सेम है ये भी है। तो ये कभी भी दूसरा सर्वर से कंपेयर मत करना, क्योंकि जो भी बड़ा सर्वर होता है वो हर दूसरे सर्वर से अलग बनाते हैं, मतलब कि एक यूनिक सर्वर वॉल्यूम बनाते हैं। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना गाइज, और आप मुझे कॉमेंट करके बताना गाइज ये सर्वर आपको कैसे लगा। तो चलो गाइज मिलते हैं इस तरह के और भी मस्त वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। अभी के लिए गाइज गुड बाय एंड Love you all.